हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही की क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़े। पहले एक कहानी पढ़े, लेटर टू गॉड। उसके बाद एक पोएम देखे, डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो उसके पोएट थे। ये भी उन्हीं का एक पोएम है। क्या नाम है इसका? फायर एंड आइस। क्या नाम है? फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जगास क्लासेस में इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बुक का, वो एक जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसका मीनिंग भी मैं तुम्हें समझाने वाला हूं और अच्छे से पढ़ेंगे। और इतना अच्छे से मैं तुम्हें क्लियर करा दूंगा ना कि मजा आ जाएगा ये चैप्टर को पढ़ने के बाद। और नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। तो पहला लाइन देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो यहां पे पहले जैसे मैंने बोला प्रीवियस जो पोएम पढ़े थे डस्ट ऑफ स्नो में भी, कि कोई भी पोएम पढ़ने से पहले उसके पीछे की, वो जिस मूड में वो पॉइंट लिख रहे हैं उसके पीछे की कहानी जानना जरूरी है। तो यहां पे भी वैसे, यहां पे जो फायर और आइस टर्म यूज हुआ है, फायर का मीनिंग आग नहीं है। क्योंकि लाइन देखो, सम से, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो एंड होगा। कैसे? फायर की वजह से, जल के एंड होगा। नहीं, यहां पे फायर का मतलब, यहां पे जो बोला गया है फायर का मतलब, उसका मतलब है जो पैशन हमारे अंदर है, जो बोलते हैं तुम्हारे अंदर के आग को जगाओ और तुम जो चाहते हो वो करके दिखाओ, तुम 95% फोड़ सकते हो। ये जो तुम्हारे अंदर के आग को बस जगाना पड़ेगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग क्या बोलते हैं, हम अंदर की आग को जगाते हैं। तो वो आग क्या होता है? वो हमारा पैशन होता है, वो हमारा विश होता है, मतलब इच्छा होता है, डिजायर होता है, जिसके वजह से हम, यहां पे डिजायर जो प्रॉपर वर्ड बैठेगा किसके लिए? फायर के लिए। तो हमारी जो इच्छा है, कौन सी इच्छा? कि तुम्हें 95% प्लस चाहिए, किसी को और ज्यादा चाहिए, किसी को अरबों रुपए की दौलत चाहिए, किसी को करोड़ों की चाहिए। सबको एक एक अलग अलग डिजायर है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो सब लोग अपने विश के पीछे भागेंगे इस दुनिया में, और ऐसे ही ये दुनिया एंड होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं। यहां पे एक डिबेट चल रहा है जहां पे कुछ लोग ये मत अपना दे रहे हैं, पर कुछ बोल रहे हैं कि आइस के थ्रू। जैसे फायर का मीनिंग क्या था यहां पे, जैसे यहां पे फायर का मीनिंग था डिजायर, वैसे आइस का मीनिंग था हैट, स्पीच, ये सबको आइस दर्शा रहा है। क्लियर है? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आइस के थ्रू ये डिस्ट्रॉय होगा ये दुनिया, पर हम देखते हैं कि किसके थ्रू होगा, हम देखते हैं कि किसके थ्रू होगा। और यहां पे राइटर बोल रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा था जो लोग फायर के पक्ष में थे, जो लोग फायर मतलब डिजायर से दुनिया ध्वंस होगा जो लोग बोल रहे थे, राइटर उनके फेवर में थे। मतलब क्या? देखो मीनिंग लिखा हुआ है टेक ए साइड, जैसे वोटिंग करते हैं कोई किस पार्टी को वोट देता है, तो वो उनके फेवर में है। और आइस का मतलब है, आइस के फेवर में बाकी लोग थे एक्सेप्ट द पॉइंट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है इनका, ये नाम याद कर लो, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर? तो नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। देखो तो नेक्स्ट टेंस क्या होता है, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। तो पेरिश का मतलब पहले क्या है, लिखा हुआ है पूरा शब्द में कि डाई मतलब मरना। अगर मुझे दो बार मरना होता, एक इंसान कितना, एक बार मरता है, फिर वो पुनर्जन्म, वो कंसेप्ट कोई प्रूव नहीं किया है, तो वो छोड़ो सब। पर अगर एक इंसान एक बार मर जाता है, जैसे लाइफ होता है गेम में, एक लाइफ चला गया तो और एक लाइफ रहता है, जिससे वो एक इंसान दो बार मर सकता है। तो मान लो एक 60 साल जिंदा रहा, फिर मर गया, फिर और 60 साल जिंदा रहा, तो 60 साल में उसने दुनिया को जितने अच्छे तरह से देखा होगा, और 60 साल में और अच्छी तरह से देखा, देख सकेगा। तो राइटर बोल रहे हैं, जो पॉइंट बोल रहे हैं, कि वो जब दो बार मर सके तो वो ज्यादा दिन इस दुनिया को देखने वाले हैं, तो वो अच्छे तरह से जाएंगे। एनफ मतलब क्या, सफिशियंट जान जाएंगे। किसके बारे में? हेट के बारे में, मतलब आइस के बारे में, जो आइस यहां पे मेंशन किया गया है, हेट के बारे में जान जाएंगे। तो क्या होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो इस दुनिया जब ध्वंस होगा, तो वह आइस की वजह से भी हो सकता है, बोल सकते हैं। जैसे देखो, शर्मा जी का लड़का 95% प्लस लाया, तुम क्यों नहीं ला पा रहे हो, ये ट्रेंड चल रहा था मीम। तो बहुत से पेरेंट्स का ये जो क्या है, ये जेलसी है कि उसका बेटा कर पाया, हमारा क्यों नहीं। सब में भले ही अलग अलग टैलेंट होते हैं, पर ये जेलसी होता है, वो सुंदर है मैं नहीं हूं, वो ज्यादा शक्तिशाली है मैं क्यों नहीं हूं, उसके पास इतनी बड़ी बाइक है, इतना बड़ा कार है, बंगला है, हमारे पास क्यों नहीं। ये जेलसी है, इसका मतलब ये सब है। तो इसके वजह से वो नरेटर और दोस्त दो बार मरेंगे, तो उनके बारे में, इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, एनफ ज्ञान हो जाएगा उनको, तो तब वो शायद बोल सके कि ये दुनिया
अभी ये किसके फॉर्म में है, फायर के, पर उस टाइम शायद वो आइस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब आइस जो है वो भी महान है, इस दुनिया को खत्म करने के लिए वो भी सफाइस है। एंड उड सफाइस का मतलब क्या, वो भी सफाइस, सफाइस का मतलब क्या है, लिखा हुआ है सफिशियंट, मतलब आइस भी सफिशियंट है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। तो यहां पे नरेटर टोटल पॉइंट में यही कहना चाहते हैं कि पहले वो फायर के फॉर्म में जरूर थे, उसके बाद उनका मन भी बोल रहा है कि दोनों पावरफुल है, दोनों दुनिया को खत्म कर सकते हैं, वो तो भगवान जाने, या फिर जब दुनिया खत्म होगा तब पता चलेगा कि किससे खत्म होगा, हम रहेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। बस ये नरेटर का फीलिंग है और पोएम में यही फीलिंग ही दर्शाया जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत बड़े पॉइंट है, नाइन्थ में भी तुमने इनका पोएम पढ़ा होगा। तो देखो ये सब इस पॉइंट में मेंशन किया गया था। लेट्स मूव टू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बार जैसे बताया फर्स्ट 50% सिलेबस टर्म 1 में पूछा जाएगा, तो उससे बस एमसीक्यू आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने बस इससे शॉर्ट क्वेश्चन पिक किया है, लॉन्ग क्वेश्चन पिक नहीं किया, क्योंकि इसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट 50% सिलेबस टर्म 1 में आने की। तो चलो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसे क्या क्या पूछा जाता है। इसलिए तो बोलता हूं पोएम में कुछ खास होता नहीं है, इजी होता है, इंग्लिश ही इजी होता है, मेरे स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 95 प्लस 4 ना आसान है, मेरे खुद के आए थे 10th में 95, तो तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते। मैं पढ़ा रहा हूं यार, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यूज भी देखो करा रहा हूं। पहला पीवाईक्यू देखते हैं, 2014 में पूछा गया था, जो बच्चे ने एग्जाम दिया होगा 2014 में, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन, पोएट का ओपिनियन क्या था वर्ल्ड के बारे में। तो पहले ही लाइन में पोएट ने बोल दिया था, क्या बोल दिया था, कि ये वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय इन फायर, वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, बाय फायर, वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होगा किससे, फायर से। तो इसको नोट करते चलो, पढ़ते टाइम याद रहता जाएगा, ये पूछा जा सकता है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो हाउ फायर एंड आइस आर सिमिलर टू ईच अदर, दो दे हैव कंट्राडिक्टरी ट्रेट, तो कंट्राडिक्टरी मतलब ऑपोजिट, फायर और आइस कभी सेम नहीं हो सकते, एक बहुत गर्म होता है और आइस बहुत ठंडा होता है, एक बहुत गर्म मतलब फायर बहुत गर्म होता है और आइस बहुत ठंडा होता है, तो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट है, फिर भी उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो क्या सिमिलरिटी है, दे बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जैसे पॉइंट ने बोला है कि फायर डिस्ट्रॉय करेगा उनको लग रहा है, बाद में यह भी लग रहा है कि आइस भी कुछ कम नहीं है, वो भी दुनिया को खत्म कर दे सकता है, बोथ कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, तो दोनों वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्लियर, ये नोट करो। अब 2015 में एक पूछा गया था, देखते व्हाट डज आइस स्टैंड्स पर, तो आइस किसके लिए स्टैंड करता है, तो आइस यहां पे स्टैंड कर रहा है, जैसे मैंने बोला हेट मतलब घृणा का भाव, और क्या लालच, ग्रीडी, ग्रीड, GREED मतलब लालच, और क्या जेलसी, जो तुम में से बहुत में होगा, ये कॉमन है, ह्यूमन बीइंग में ही होता है, कौन ज्यादा दिखाता है, कौन शो नहीं करता, किसमें कम होता है किसमें ज्यादा, पर होता तो है, क्लियर। तो हाँ बहुत कम लोग होते हैं जिसमें नहीं होता है, तो ये सब नोट करो, पीवाईक्यू उसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म। जाते जाते मैं बता देना चाहता हूं, जकास क्लासेस में इस साल तुम्हारे नोट्स पीवाईक्यूज along with the lecture videos NCERT line by line explain करेंगे सारे lecture videos में, और exercise solution भी upload होने वाला है term 1 से पहले उसका syllabus, term 2 से पहले term 2 का syllabus upload हो जाएगा। तो math, science, english के बारे में तुम्हें कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले videos में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।